दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल लोगों के दिमागों में उभर रहा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर भारत के किसान राजधानी में आए हुए हैं, राजधानी के तीन तरफ उन्होंने उनका एक विशाल हुजूम है, चारों तरफ अनेक प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। इसके बावजूद हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती। उसने पहली बार जब किसानों को बुलाया मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो उसमें किसानों की किसी भी मांग पर विचार करने से एक तरह से साफ इनकार था। और यह कहा गया कि एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी क्या करेगी भाई? आपने तीन कानूनों को जब पास किया, जब आपने उसके पहले ऑर्डिनेंस लाया, तब क्या आपने कोई कमेटी बनाई थी भारत सरकार की और किसानों की, किसान संघों की? तो अगर आपने नहीं बनाई, तो आज के दौर में जब लाखों किसान इस समय राष्ट्रीय राजधानी के चारों तरफ हैं, तीन तरफ तो कम से कम है ही हैं, इतना विशाल जमावड़ा है, इतना विशाल हुजूम है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे भी हैं, और आप अब कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। तो सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के दिमाग में उभर रहा है, आम लोगों के भी, नागरिकों के भी, कि इस जाड़े में, इस महामारी में अगर किसान इतना जोखिम लेकर आया है तो क्यों आया है? जो लोग कृषि मामलों को नहीं जानते, उनकी भी उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर क्या वजह है। और सबसे बड़ा सवाल उनके दिमाग में यह भी है कि आखिर सब कुछ जानते हुए भारत सरकार, सत्ताधारी दल, इतनी जिद क्यों ठाने हुए है? क्या है सरकार की जिद, किस वजह से है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो तीनों कानून हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसमें सिर्फ एमएसपी का मामला है, यानी न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसका मामला है, केवल वही केवल खत्म हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों को दिमाग में है कि एपीएमसी यानी जो मंडी सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और बात सही भी है, वो क्रमशः खत्म होगा। हो सकता है कि शुरू में कुछ एक साल चलता रहे, लेकिन अंततः उसको खत्म होना है इन कानूनों के तहत। और ये महज संयोग नहीं है, भारत सरकार की स्ट्रेटजी भी है। नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, भारत सरकार के अंदर सर्कुलेट होने वाले विचार विमर्श के लिए पेश बहुत सारे दस्तावेज बताते हैं कि कैसे भारत सरकार के जो योजनाकार हैं, उन्होंने हमारे देश के केंद्रीय नेतृत्व को सलाह दी कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि कैसे एपीएमसी, एमएसपी से निजात पाई जाए। और यही नहीं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी खत्म किया जाए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको भी खत्म किया जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और उनका यह कहना है कि कैश ट्रांसफर जो सिस्टम है, कैश ट्रांसफर सिस्टम को भारत में भी लागू कर दिया जाए। तो यह ले देकर स्ट्रेटजी भारत सरकार की है, उनके योजनाकारों की है, जिसके तहत ये तीन कानून आए हैं। और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि भारत में कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए रास्ता बनाना। और दोस्तों, आपको हम बताएं कि एपीएमसी यानी मंडियों के होने के बावजूद बहुत सारा कारोबार कृषि उत्पादों का जो है वो बाजार में होता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग मंडी में सामान खरीदते और बेचते हैं, लेकिन अभी जो होता है उसमें और जो होने वाला है उसमें एक बड़ा फर्क है, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा ये कानूनी पहल की गई है कि पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर कानून लाया गया, एक बड़ा जो उनका कांस्टेंट था वो बाहर जा रहा था सरकार से, उसको भी नहीं रोका, तो आखिर क्या वजह है इतनी बड़ी कि ये कानून लाए गए? दरअसल ये केवल छोटे मझोले कारोबारियों का मामला नहीं है, ये भारत के बिग कॉरपोरेट्स का मामला है। और यही नहीं, ये दुनिया की बड़ी जो कंपनियां हैं, मैं आप इन सारी कंपनियों का नाम जानते हैं कि हाल के दिनों में दुनिया भर की बड़ी कंपनियां फूड ग्रेन मार्केट पर उनकी नजर टिकी हुई है। उनको लगता है कि इस महामारी के दौर में भी उन्होंने देखा, और जो एक स्लो डाउन है,
इकॉनमी में एक मंदी की जो स्थिति है उसमें भी लोगों ने देखा कि लोग बहुत सारे अपनी जो जरूरतें हैं उनको कटौती उसमें करते हैं, कम करते हैं। लेकिन फूड ग्रेन का मार्केट एक ऐसा मार्केट है दोस्तों जिसमें कोई कमी नहीं दिखाई देती है तब तक जब तक लोगों के पास पैसा है। और इसीलिए दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं इस समय अमेरिका से लेकर फ्रांस, कनाडा, हर जगह उनकी जो चिंता है कि कैसे भारत के फूड ग्रेन मार्केट पर कब्जा जमाया जाए, जो एक ट्रेडिशनल मार्केट है उसको डिस्ट्रॉय करके एक नई स्थिति पैदा की जाए, एक नई प्रणाली स्थापित की जाए। मौजूदा सरकार एमएनसी बड़ी जो वैश्विक कंपनियां दुनिया की हैं, जो ग्लोबल मार्केट पर जो नजर रखती हैं, जो इजारेदारी जिनकी है, जिनकी हेजोमनी है, दरअसल ये और भारत के बड़े कारपोरेट दोनों की दुराभिसंधि, दोनों के अलायंस, दोनों की मर्जी के हिसाब से ये कानून लाए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि भारत के किसान लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुनिया भर में आवाजें उनके पक्ष में उठ रही हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ा ये बात। तो इसके बावजूद अगर भारत सरकार नहीं सुन रही है तो ये आश्चर्यजनक है। और मैं आपको बताऊं, मैं आज ही सुबह देख रहा था दुनिया भर के मीडिया में, केवल आप भारत के मीडिया में तो कम, बहुत सारे दुनिया के अनेक देशों के मीडिया में बहुत एनालिटिकल, बहुत विश्लेषणात्मक खबरें इसके बारे में आ रही हैं भारत के किसानों की समस्या को लेकर। लेकिन अपने देश में हमारे देश का मीडिया का एक बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट के इन्फ्लुएंस में ऐसा लगता है कि किसानों की जो जेन्युइन मांगे हैं उन पर भी सवाल उठा रहा है। दोस्तों ये सर इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सिर्फ एपीएमसी को बचाने का मसला नहीं है, ये सिर्फ एमएसपी का मामला नहीं है, ये भारत को बचाने का मसला है, ये भारत की आवाम को बचाने का मसला है। ये एक आम गरीब नहीं, मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, यहां तक कि जो अमीर लोग हैं, काफी हद तक बड़े जो अपने आप को अपर मिडिल क्लास कहते हैं, इन सबके लिए ये तबाही का आलम है। ये हमारे देश की समूची इकॉनमी, हमारे देश के सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आप कहते हैं कि नहीं साहब, एपीएमसी भी चलेंगी और जो बड़े कारपोरेट का कारोबार है वो भी चलेगा, वो तो हमने जियो और बीएसएनएल के दरमियान देख लिया कि कहां कौन टिकता है। तो अभी क्या होता है कि जो एक प्राइस का फिक्स करने का एक इंडिकेटर बाजार के सामने जाता है, जो प्राइवेट कारोबारी है उनके सामने भी जाता है कि एक इंडिकेटर होते हैं एपीएमसी के सारे जो उनकी जो अपनी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरी तरह निस्तनाभूत कर देगा ये पूरा का पूरा सिस्टम दोस्तों, और कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी ये रास्ता देगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मोदी सरकार की जो जिद है किसानों की बात को न मानने की, उसके पीछे केवल भारत का बड़ा कॉर्पोरेट नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी कंपनियां जो भारत के फूड ग्रेन मार्केट पर जिनकी नजर है, जिनको लगता है कि ये उनकी कमाई का, उनके मुनाफे का, उनकी लूट का एक बहुत बड़ा स्रोत है, उस पर जो नजर है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार की इस कॉर्पोरेट और दुनिया की और जो देश हैं वहां के बड़े कॉर्पोरेट जो पूरी वैश्विक इकॉनमी पर जिनकी नजर है उसको मैं समझता हूं कि मदद पहुंचाने वाली ये बात है। इसीलिए मैं अंत में बस यही कहूंगा कि ये एक नेशनल इशू है, ये केवल किसानों का इशू नहीं है, और इसको एक नेशनल इशू के, एक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब देखिए कि थर्सडे को यानी बृहस्पतिवार को जो बातचीत होने वाली है किसानों और सरकार के बीच में उसमें क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। We'll be right back.